जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, क्या हाल है? ठीक ठाक है। काफ़ी दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी भाईजान, तो अब अपना न्यू फ्लैग लगाया और अपना पिज्ज़ा रिसीव हो गया है, तो इसकी वीडियो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं कि बड़ी मुर्गी जब होती है तो उसका एवरेज ज़्यादा बताते हैं, होती कम एवरेज में ज़्यादा बताते हैं। मैं आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक हर एक मेरा जो फ्लॉक लगता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आप तक पहुंचाता हूं। इसमें कोई ये शक शुबे वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जितना इलम है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। चूज़े के पालने की जो भी इंट्रोडक्शन होती है वो आपको बताते हैं, सुनाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा चूज़ा रिसीव हुआ, अभी उतारा है हमने, आधा घंटा हुआ है, क्योंकि चूज़ा बहुत दूर से आया था इसलिए थोड़ी भूखा चूज़ा था और आधे घंटे की भूख दे के हमने बटन लगा दिए, क्योंकि ज़्यादा भूखा नहीं रखना होता है चूज़े को। बस अगर करीब का चूज़ा था जल्दी पहुँच जाता तो उसको ज़ाहरी बात है एक उसको हमेशा मतलब एक दो घंटे की भूख देनी चाहिए, क्योंकि चूज़ा भागता है उसकी जर्दी जो अंदर होती है वो ज़ाया होती है, होनी चाहिए। अगर जर्दी रह जाती तो वो फिर आगे जाके बड़ा चूज़ा बनता है, उसमें फिर इकुलाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लेटें लगी हुई है, देखेंगे भाई चूज़ा भाई 10 घंटे का या 12 घंटे का है, प्लेटें लगी हुई ऐसा नहीं है। अभी हमने लगाई है प्लेटें, तकरीबन 10 मिनट हुए, थोड़ी थोड़ी फिर लगाई है, क्योंकि अपना 2-3 घंटे का भूखा चूज़ा था, दूर से आया हुआ था, इसलिए हमने दाना डाल दिया जल्दी, नहीं तो हम भी ऐसे ही करते हैं। 2 घंटे तक चूज़ा अगर करीब का होता है 2 घंटे तक हम फीड नहीं डालते हैं इसमें, क्योंकि वो अपनी उसकी जर्दी होती है जो ज़ाया हो जाए, ताकि उसको चला दें। ये देखें अभी पानी पे भी आहिस्ता आहिस्ता हिल गया है। तो दोस्तों, इस फ्लॉक की आपको पूरे फ्लॉक की इंट्रोडक्शन में कराऊंगा, इसकी एंड तक क्या रिजल्ट है इसका वो भी बताऊंगा, क्योंकि अभी हालात बहुत ख़तरनाक चल रहे हैं, लोगों के बहुत नुकसान हो रहा है, और आपको पता ही है कि रेट भी अभी कुछ भी नहीं है मुर्गी का, चूज़ा महंगा, फीड महंगी है, रेट कुछ भी नहीं है। अब ये देखें चला रहे हैं, दोनों सेट प्लेट लगा रहे हैं तो चूज़ा भाग रहा है, क्योंकि चूज़ा जितना भागेगा इतना तंदुरुस्त बनेगा, और माशाल्लाह चूज़ा भी ज़बरदस्त है, इसके अंदर कोई भी साइजिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। देखें पहले उस तरफ प्लेट लगाई थी, उस तरफ चूज़ा भाग रहा, अभी इस तरफ भाग रहा है, तो इस तरफ प्लेट लगा रहा। चूज़े के अंदर आपको साइजिंग नज़र नहीं आएगी, कोई भी साइजिंग नहीं, देख लें आप, चूज़ा ज़बरदस्त अच्छा चूज़ा है, इसके अंदर कोई साइजिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हमारी गलती की वजह से होता है। अगर चूज़ा अच्छा और कोई साइजिंग, कोई कोई ऐसा फ्लॉक होता है चूज़ा जो आता है चूज़े के अंदर साइजिंग होती है, ठीक है, फिर वो तो उसमें तो फिर जाहिर बात है चूज़े के अंदर साइजिंग, उसको भी अरेंजमेंट कर सकता है बंदा। अभी आपके सामने, और अगर चूज़े के अंदर साइजिंग है ही नहीं तो फिर अगर उसके बाद भी हम अगर साइजिंग बन जाती तो वो हमारी कोताही है, साइजिंग उसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें साइजिंग नहीं होती है, अपनी अरेंजमेंट अच्छी रखे तो नहीं होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो अब तक, इसके आगे आपको बताएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपने सेहत